हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल टेकोटॉक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं अक्षय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे संदेश ऐप के बारे में। तो दोस्तों, डेली मैं आपके लिए टेक से रिलेटेड बहुत ही नई नई और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ सब्सक्राइब बटन को दबाकर, साथ ही में उसके बगल का बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि मैं डेली टेक से रिलेटेड तो वीडियोस लेके आता रहता हूँ, साथ में उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस बोल लो या फिर डिवाइसेस इंडिया की भी होती हैं और इंडिया की बाहर की भी होती हैं। लेकिन आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, खास और प्राउड मोमेंट का है क्योंकि आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ संदेश ऐप का, साथ ही साथ में कैसे आप उसको कर सकते हो डाउनलोड एप्पल डिवाइसेस में और साथ ही साथ एंड्रॉइड डिवाइसेस दोनों में, पूरा उसका फीचर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी एक टॉपिक छूट ना जाए इस वीडियो का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही अराइज हो रहा होगा कि संदेश ऐप है क्या। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यह संदेश ऐप है क्या, कैसे वर्क करती है और क्यों इसे बनाया गया। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपको ये न्यूज़ पता होगी कि बहुत सारी ऐसी लीकेज आ रही थी, न्यूज आ रही थी कि हमारे डेटा को लीक किया जा रहा है व्हाट्सएप के द्वारा। इसी को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक ऐप डेवलप किया संदेश ऐप के नाम से, जिसको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया गया, जिसपे कि वो वर्क फ्रॉम होम ईजिली कर रहे थे, उनके डेटा को अच्छे से इनक्रिप्ट करके रखा जा रहा था ताकि उनका डेटा लीक ना हो। और अब इस ऐप को पब्लिकली कर दिया गया है, मीन्स अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस ऐप को यूज़ कर सकता है। इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते थे, सारी फीचर्स आपको इसमें मिल जाती है, वही सेम वैसे ही सब कुछ वर्क करता है, तो कुछ भी अलग नहीं है। बस इसमें फ़ायदा आपका ये है कि ये ऐप मेड इन इंडिया है। इस ऐप को डिजिटल इंडिया के तहत NIC ने अपने अंतर्गत में इसे बनाया है। NIC क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इन्होंने इस ऐप को डेवलप करा है, इन्हीं के अंतर्गत में इस ऐप को डेवलप किया गया है। इसमें आपको व्हाट्सअप वाली सारी फीचर्स मिल जाएंगी, लाइक वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, इमेज सेंडिंग, PDF फाइल शेयरिंग, सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इमोजी वगैरह का जितना ऑप्शन आपको मिलता था उसमें, वो सारी ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल होगी। तो अब क्यों हम जाएँ व्हाट्सअप की ओर जबकि हमारा संदेश हमारे पास है। तो अब कैसे इस एप्लीकेशन को करते हैं डाउनलोड, कैसे होता है ये एप्लीकेशन डाउनलोड, तो चलिए मैं आपको साथ दोनों बता देता हूँ। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एप्पल डिवाइस में और साथ ही साथ एंड्रॉयड डिवाइस में, और ये फंक्शन कैसे। दोस्तों, अगर आप iOS यूज़र हो, एप्पल यूज़र हो, तब तो आप इसे बहुत ही आसानी से ऐप स्टोर के थ्रू में डाउनलोड कर सकते हो। बस सिंपली आपको ऐप स्टोर पर टाइप करना है संदेश, SANDES, सिर्फ संदेश आपको टाइप करना है और आपको वो एप्लीकेशन नंबर 1 पे मिल जाएगी। इस तरह का उसका दिखता है इंटरफेस, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यही लोगो आपको वहाँ पे दिखेगा, साथ ही में लिखा हुआ रहेगा संदेश। आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसे और सिंपली साइनअप करके अपने email ID या फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करके और यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड यूज़र, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको बस सिंपली जाना है अपने वेब पेज पे और वहाँ पे कुछ टाइप करना पड़ेगा, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे टाइप करना है। अगर फिर भी आपसे ये नहीं हो पाता, आपको लगता है कोई दिक्कत वाली बात है, तो मैं आपको सीधा लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, डायरेक्ट आप वहाँ से क्लिक करो और क्लिक करके उस एप्लीकेशन को कर सकते हो डाउनलोड, और साथ ही में वहाँ से कर लो आप साइनअप और टोटली उसके बाद आप सिंपली उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बस इंडिया को सपोर्ट करो, इसी तरह इंडिया को सपोर्ट करते रहो और इस एप्लीकेशन को यूज़ करो। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो ये अच्छा लगा, आपके लिए संदेशजनक हो या फिर अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।